नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए राहु केतु और शनि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है, अगले 1.5 वर्ष का समय कैसा बीतने वाला है। जिन लोगों का समय लगभग 1.5 वर्ष से खराब चल रहा था, उन लोगों के लिए बदलाव का समय है। जिन लोगों का समय सबसे ज्यादा जनवरी के महीने में खराब हुआ है, उन लोगों के लिए भी बदलाव का समय है। और जिन लोगों का समय जून के महीने से खराब प्रारंभ हुआ है, उन लोगों के लिए भी बदलाव का समय है। राहु और केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है और यही ग्रह सबसे ज्यादा हमको परेशान करने का काम करते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह पापी ग्रह हैं और यदि ये हमारी राशि पर गोचर करे तो इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। राहु लगभग 1.5 वर्ष से आपकी राशि मेष राशि में गोचर कर रहे थे, आपके सिर के ऊपर भ्रमण कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो है आपको कंफ्यूज करने का काम कर रहे थे, भ्रमित करने का काम कर रहे थे, अधिकतर डिसीजन गलत करने का काम कर रहे थे। राहु वैसे ही मेष राशि में अकारक माने जाते हैं और 1.5 वर्ष से राहु आपकी राशि में ही गोचर कर रहे थे, तो कई लोगों का देखा गया कि जब से राहु राशि पर आए हैं तब से ही बुरा प्रभाव देखने को मिला। स्वास्थ्य खराब हो रहा था, डिसीजन सही नहीं हो रहे थे, नौकरी में दिक्कत चल रही थी, व्यापार में दिक्कत चल रही थी, स्वयं का काम यदि कर रहे थे उसमें भी परेशानियां चल रही थी, वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम कर रहे थे क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे थे और सप्तम भाव में केतु का गोचर हो रहा था, तो केतु भी यहां पर जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम देने का काम कर रहे थे। तो कई लोगों के ऊपर देखा गया कि वैवाहिक जीवन को लेकर के विशेष रूप से जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। सप्तम भाव होता है दैनिक आय का, तो आय में भी कहीं ना कहीं जो है स्थिति ठीक ठाक नहीं थी। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, जो लोग व्यापार कर रहे थे तो लगभग 1.5 वर्ष से उनका व्यापार भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु का आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि राहु आपके ही राशि में गोचर कर रहे थे और मेष राशि में अकारक माने जाते हैं, बुरे परिणाम देने वाले होते हैं और राहु भ्रमित का कारक माना जाता है, भ्रमित करके रखता है, एक साथ कई सारे काम करवाने का काम करता है और सभी कामों में असफलता देने का काम करता है। तो हमने देखा कि मेष राशि वाले बहुत सारे काम किए लेकिन वो कोई भी सही ढंग से काम नहीं चल पाया। कई लोगों को देखा गया कि 1.5 वर्ष में कई बार नौकरी चेंज कर लिया और कई लोगों को तो नौकरी ही नहीं मिली जब से नौकरी छोड़ा। तो ये सारी समस्याएं जो है राहु देने का काम कर रहे थे लगभग 18 महीने से। अब राहु और केतु दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर 2023 को। राहु आपकी राशि से निकल के ये गोचर करेंगे 12वें भाव में मीन राशि में, गुरु की राशि में गोचर करेंगे, तो आपके ऊपर से बहुत बड़ा भार जो है वो टल जाएगा, जो बोझ आपके ऊपर चढ़ा था वो जो है टल जाएगा, अब राहत आपको मिलेगी। वही केतु सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन वाले भाव में, व्यापार के भाव में, दैनिक आय वाले भाव में गोचर कर रहे थे, तो जो पैसे आपके बच नहीं रहे थे, जो इनकम हो रही थी वो बचत नहीं हो रही थी, तो अब केतु जो है 30 अक्टूबर को 6वें भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दैनिक आय है उसमें वृद्धि भी होगी और पैसा भी बचत होगा। जिन लोगों की समस्याएं जनवरी के महीने में प्रारंभ हुई है, तो शनि की स्थिति यदि हम बात करें तो शनि वैसे तो लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शनि जनवरी के महीने से ही कमजोर स्थिति में हो गए, फिर अस्त हो गए और इसी कारण से जो है जून के महीने तक कोई विशेष परिणाम देखने को नहीं मिला। कई लोगों को कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले, लेकिन जून के महीने में क्या हुआ, जैसे ही शनि मजबूत स्थिति में हुए तो कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिले मेष राशि वालों को। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि वक्री है और अभी भी वक्री चल रहे हैं,
तो उन लोगों को विशेष रूप से बुरे परिणाम देखने को मिला। कई लोगों की जून के महीने से ही, मई जून के महीने से, जुलाई के महीने से जो है नौकरी चली गई। कई लोगों की अगस्त सितंबर में भी चली गई होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव डिग्री के अनुसार से होता है। कई लोगों की कुंडली में एक डिग्री में है, दो डिग्री में है, दस डिग्री में है, पंद्रह, उसके अनुसार से। अब एक ही तारीख को सबकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि सबकी कुंडलियों में शनि की स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग डिग्री में गोचर करते हैं। तो जो समय है लगभग आप पकड़ लीजिए मई जून का महीना। मई जून के महीने से जिन लोगों की प्रॉब्लम हुई है वो वक्री होने के कारण हुई है, क्योंकि उनकी कुंडली में ऑलरेडी शनि वक्री है। और जिनकी कुंडली में शनि वक्री होता है और वक्री गोचर कर रहा हो प्रेजेंट में, तो बुरे परिणाम देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो जून के महीने से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक ज्यादा खराब स्थिति रहने वाली है। 4 नवंबर के बाद जैसे ही शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और नवंबर के महीने से लगभग आप देखेंगे कि 4 नवंबर के बाद 2-4-10 दिन बीतने के बाद जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो 15 नवंबर के बाद आप मोटा मोटा पकड़िए अच्छी स्थिति हो जाएगी। नौकरी के लिए यदि आप अप्लाई करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। व्यापार के लिए यदि देखा जाए तो अच्छी स्थिति रहेगी। स्वयं का कोई भी काम यदि आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि मजबूत स्थिति में है, बस वो विपरीत चल रहे हैं। वक्री मतलब उल्टा गोचर कर रहे हैं, विपरीत परिणाम दे रहे हैं, इस कारण से आपको शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो 4 नवंबर के बाद जो है जिन लोगों की जून के महीने से समस्याएं बढ़ी है वो समाप्त हो जाएंगी, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों की समस्याएं लगभग 1.5 वर्ष से प्रारंभ हुई है वो 30 अक्टूबर के बाद जो है उनकी भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि राहु का प्रभाव ज्यादा था। और कुछ लोगों के ऊपर ही राहु का प्रभाव ज्यादा क्यों था, क्योंकि उनकी कुंडली में राहु की स्थिति ज्यादा ही खराब थी, इसलिए ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिले। कई लोगों को देखा गया कि राहु कुछ अच्छे परिणाम भी दिए, लगभग 1.5 वर्ष से कुछ अच्छे परिणाम दिए, क्योंकि उनकी कुंडली में राहु की स्थिति बढ़िया थी, इस कारण से कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। जिन लोगों को जनवरी से स्थिति खराब हुई है वो शनि के कारण ही स्थिति ज्यादा खराब हुई है, और राहु केतु का भी प्रभाव होने के कारण गुरु भी मजबूत नहीं था, सारे ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में थे। इस कारण से मजबूत स्थिति में ना होने के कारण जनवरी के बाद जो है समस्याएं पैदा होना प्रारंभ हुई, तो इस कारण से विशेष रूप से दिक्कत रही। अब जो है जिन लोगों की समस्याएं लगभग 1.5 वर्ष से प्रारंभ हुई थी, उन लोगों को स्वास्थ्य की भी समस्याएं थी, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा कमजोर था, और कंफ्यूजन वाली स्थिति भी बनी हुई थी, भ्रमित करने का काम करते राहु यहां पर। तो जो आप अच्छा काम करने के लिए प्रयास कर रहे थे वही गलत हो जा रहा था। किसी के साथ आप अच्छा बर्ताव कर रहे थे लेकिन वो गलत समझ रहा था, तो ये सब जो है भ्रमित करने का काम आपके ऊपर पर राहु गोचर कर रहे थे, इस कारण से ये सब बुरा देखने को मिला। अब राहु आपकी राशि में बैठ करके पांचवें भाव को भी देख रहे थे, तो संतान को लेकर के भी चिंता बनी हुई थी, प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला कि लगभग जब से राहु आपकी राशि पे गोचर हुआ है तब से जो है कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रही। तो लव लाइफ को लेकर के भी राहु जो है समस्याएं देने का काम किया। फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि पंचम भाव फाइनेंशियल स्थिति का होता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का होता है, तो यहां पर भी बड़ा लॉस देखने को मिला। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में था तो थोड़ा थोड़ा लाभ भी यहां पर दिया है, ऐसी बात नहीं है कि नकारात्मक ही परिणाम दिया, लेकिन विशेष रूप से ज्यादातर जो है नुकसान देने का काम किया। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके विवाह के भाव में, व्यापार के भाव में पड़ रही थी, तो व्यापार भी सही ढंग से नहीं चला, जो आप सोच रहे थे उस हिसाब से व्यापार भी आपका नहीं चला, और यहां पर केतु गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक जीवन में भी समस्या, और दैनिक आय जो हो रही थी वो बचत नहीं हो पा रही थी, तो ये राहु के कारण और केतु के कारण स्थिति बनी हुई थी। वही राहु आपके भाग्य भाव को नवम दृष्टि से देख रहा था, इस कारण से जो है भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था, लक भी आपका साथ नहीं दे रहा था, मेहनत तो आप खूब कर रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट जीरो रहता था। तो यही है कि राहु की स्थिति ठीक ठाक ना होने के कारण ये सब समस्याएं आपको देखने को मिली। अब क्या होगा,
राहु बराहवे भाव में यहां पर जो है दोनों प्रकार के फल देते हैं, शुभ और अशुभ। यहां पर राहु कई बार अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो राहु यहां पर करने का काम करता है। लेकिन यहां पर राहु बड़े बड़े नुकसान भी करने का काम करते हैं, दोनों स्थिति यहां पर, क्योंकि ये बारहवा भाव है, व्यय भाव है, नुकसान का भाव, खर्चों का भाव। यदि आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो खासा अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा, यदि आप विदेश में रहते हैं तो भी यहां पर नकारात्मक परिणाम आपको कम देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। और यदि आप अपने घर में ही रह करके काम करते हैं तो यहां पर बड़ा लॉस भी होने की संभावनाएं बनती है। इसलिए राहु अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के यहाँ पर फल देने का काम करते हैं। वही राहु जब भी बारहवें भाव में गोचर करता है तो कई बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। चाहे स्वास्थ्य आपका खराब ना हो, किसी दूसरे का भी होगा तो आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बारहवें भाव का जो राहु होता है कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देता है, इसलिए सावधान रहना है कि कोई ऐसा काम करने नहीं है आपको, 1.5 वर्ष तक कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई विवाद हो, जिससे आपको जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, जेल तक यहां पर राहु पहुंचा देता है। इसलिए नकारात्मक प्रभाव भी राहु यहां पर देता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कई बार जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सभी क्षेत्रों में बड़ा लाभ देने का काम करता है। कई बार बारहवें भाव का राहु इतना अच्छा फल दे जाता है कि आपने कभी सोचा भी ना हो, तो इस कारण से फायदा भी देता है। लेकिन आप यदि अच्छे कर्म करोगे तो यहाँ पर लाभ देने का काम करेगा। और राहु का उपाय भी जरूर करें, राहु का उपाय राहु के बीज मंत्र का जप भी कर सकते हो और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो, जिससे राहु बिल्कुल भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। तो इस उपाय को जरूर करना है। तो राहु यहां पर जो है दोनों ही प्रकार के फल देने का काम करता है, मैंने विस्तार से आपको समझा दिया। केतु की यदि हम बात करें तो केतु छठे भाव में कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम देता है। जैसे यदि आपका कोई कारोबार है, स्वयं का कोई काम यदि कर रहे हो तो नौकर रख रहे हो तो उसमें आपको परेशानी रहेगी। घर में यदि कोई नौकर है, मामा मौसी इन लोगों से संबंध भी खराब करने का काम यहाँ पर केतु करता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है। छोटे मोटे रोग भी देने का काम करता है, ऋण भी पैदा कर देता है, इसलिए केतु यहां पर नकारात्मक प्रभाव भी कई बार देता है। और ये परिणाम देखने को जरूर मिला है कि यदि आपके घर में कोई काम कर रहा है, कोई आपका नौकर है, या आपने किसी को सैलरी में रखा है, व्यापार में रखा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ छोड़ करके जाने का काम करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। केतु यहां पर फायदे क्या देता है, आपके शत्रुओं को परास्त करता है और कोई बड़ी बीमारियां यदि आपको लगी है तो उसको भी दूर करने का काम करता है। कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम यहाँ पर केतु करता है। रिकवरी करवाने का काम भी यहाँ पर केतु करता है। किसी को पैसा यदि आपने दिया है वो दे नहीं रहा था तो रिकवरी भी करवाने का काम यहाँ पर केतु करता है। यदि आप नौकरी की तलाश में है तो अच्छी नौकरी भी दिलाने का काम करेगा, लेकिन वही एक जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं आप दूर यदि नौकरी की तलाश में है तो यहाँ पर ये सक्सेस देने का काम करता है केतु। तो केतु भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करते हैं छठे भाव में। विशेष तौर पर यहां पर केतु ज्यादातर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। बात करें शनि के बारे में तो शनि जो है देखा जाए तो 4 नवंबर के बाद ये जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि एकादश भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और ये अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से स्वाभाविक है कि शनि आपके लिए लकी है, इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं है। मेष राशि वालों को शनि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में शनि मजबूत होने चाहिए, अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तभी शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि राजनीति में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। लाभ भाव में बैठे तो स्वाभाविक है कि लाभ के कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये कैरियर के मालिक हैं तो कैरियर में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप स्वयं का काम कर रहे हो, तो कैरियर से संबंधित कोई दिक्कत जो है यहाँ पर शनि आपको नहीं देंगे, कब से 4 नवंबर के बाद। और यदि जो भी समस्याएं आपकी चल रही थी कैरियर को लेकर के, वो समस्याएं आप देखेंगे कि नवंबर दिसंबर में दूर हो जाएगी
और आपको अच्छी नौकरी और कारोबार में भी सफलता देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। अगले 1.5 वर्ष तक राहु केतु और शनि ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो ध्यान रखना है कि राहु यहाँ पर बड़े बड़े लाभ देने का काम करता है, लेकिन बड़े बड़े नुकसान भी करता है। तो यदि आप अच्छे कर्म करोगे, किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, तो राहु जो है अच्छे ही फल देने का काम करेंगे। वही राहु का कुछ उपाय भी करना है। गुरु भी आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव में कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे, आपके कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे। कब तक? मई 2024 तक। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। गुरु की पांचवी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी। जो लोग पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए शिक्षा के लिए समय बढ़िया है। संतान की चिंताएं दूर होंगी, जिनको संतान की जरूरत है। जिन लोगों को यदि देखा गया फाइनेंशियल स्थिति की प्रॉब्लम है, वो भी फाइनेंशियल स्थिति की समस्याएं भी दूर करेंगे। जुआ लॉटरी सट्टा में गुरु जो है अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं, क्योंकि फाइनेंस के जो मालिक है वो गुरु ही है। गुरु विवाह के कारक है, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था अब जो है विवाह भी करवाने का काम करेंगे। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब था अब वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। डाइवोर्स जैसी स्थिति जिन लोगों की बनी थी वो अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राहु जो है अब छोड़ करके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इन सभी क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और मेष राशि वालों के लिए ये बदलाव का समय है। राहु केतु और शनि ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे और अगले 1.5 वर्ष तक आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।